सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, इतना ही नहीं उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। हमारे बीजेपी नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम 3-4 दिन से उसी पे लगे हुए खाने पे आ गए बहनों ने, कैसा आप मच्छी दिखा रहे, गोश्त खा रहे। अरे भाई, आप जिस मुल्क में जो खाना चाहता है खा ले, मगर देश के प्रधानमंत्री अब खाने पे आ गए। पहले बोलते थे कपड़े देखकर पहचानो, अब बोल रहे खाना देखकर पहचानो। मैं देश के वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड मालूम ना आप लोगों को? इलेक्ट्रोल बॉन्ड मालूम क्या है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड यह है कि कंपनी एक बॉन्ड खरीदती, डिमांड ड्राफ्ट समझिए, डिमांड ड्राफ्ट मालूम ना, वो खरीद के मोदी जी को दिए, पूरे पार्टियों को दिए, सियासी पार्टियों को दिए। बीजेपी को मोदी जी को कितना मिला? 8,000 करोड़। हर कंपनी वाला खरीदा, बोले बादशाह सलामत, आप सुल्तान है दिल्ली के, ले लीजिए, आप दिल्ली के तख्त पे बैठे हैं। 8,000 करोड़ उनको दिए। और कोई भी सेठ पैसे दे रहा तो अपनी अम्मा की मगफरत के लिए नहीं दे रहा, अपने अब्बा की मगफरत के लिए नहीं देता उन्हें। कोई भी सेठ दे रहा तो उन्हें बोलता एक हाथ दे रहा हूं, 4 हाथ दे वापिस। दोनों 8,000 करोड़ उनको मिले। तो जो जो बड़े बड़े कंपनी बीजेपी को पैसे दिए बांड में, उनको मोदी जी बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। क्योंकि जो सेठ देता ना पैसे, उन्हें फ्री में नहीं देता। मगर मोदी जी क्या बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बांड दिए तो पूरी दुनिया तेरी ले ले तू। 8,000 करोड़ इनको मिले। अच्छा, उसमें 8,000 करोड़ में एक गोश्त की कंपनी है, अलाना उसका नाम है, उन्होंने इनको 10 करोड़ रुपये दिए, शिवसेना को 1.5 करोड़ रुपये दिए। और दुकान किसकी बंद हो रही? कुरैशी की और कथित भाइयों की। यानी तुम गुलाब जामुन मलाई पूरा दबा के खा लेंगे, और वो गरीब बेचारा जो दिन को 1,000 रुपये कमाता उसकी दुकान बंद। अब आप बताइए, 10 करोड़ बीजेपी को, 1.5 करोड़ शिवसेना को। बल्कि गुजरात में किसान है 40 स्क्वायर मीटर जमीन बेचे तो एक कंपनी ने उनको इस्तेमाल करके 10 करोड़ रुपये मोदी जी को दिए और 1.5 करोड़ रुपये शायद शिवसेना को दिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है कि ये मोटे मोटे सेठ लोग ये तमाम पार्टीज को खरीद लिए, इन सबको खरीद लिए, ये बिकने तैयार थे, इनको खरीद लिए। 8,000 करोड़ बीजेपी को, 1,400 करोड़ कांग्रेस को, 1,500 करोड़ या 1,200 करोड़ टीएमसी को, शिवसेना को, दूसरी शिवसेना को, सबको मिले। यानी सब लोग इस हम्माम में नंगे हैं माशाल्लाह, दबा के खा लिए पूरा नान खलिया, मगर बीफ बैन है, पैसों का बैन नहीं है भाई मेरे। अब आप बताइए, क्या जमहूरियत में मजाक नहीं हो रहा है? ये जो गरीब जो निकलकर 13 तारीख को वोट देगा या भारत के जहां जहां इलेक्शन होगा वोट देगा, उसके वोट पर तो सरकारें बनती है, मगर उन गरीबों की जिंदगियों को के ऊपर, उनकी लाशों के ऊपर पैसे लिए जा रहे हैं और बड़े बड़ी बातें करते हैं करप्शन खत्म हो गया। अरे कहां करप्शन खत्म हुआ? जो तुमको बांट दिया तुमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। अच्छा, इन तमाम बिकने वालों में किसी का नाम नहीं है तो असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील का ना मंजलिस पार्टी का नाम नहीं, हमको कोई दिया ही नहीं। मगर सब मिलके क्या बोलते हैं, इन्हें बी टीम, इन्हें आतंकवादियों का साथी।
अरे बेटा तू गांव गांव बांट लिए चौरा मिलकर, हमको क्यों नहीं मिला बांट? मैं बी टीम, इन्हों बोलते हैं इन्हों देशभक्त नहीं है इन्हों। अच्छा ये देशभक्ति 8,000 करोड़ रुपए लेना। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।